ब्यूटीफुल सा लेक है पीछे। बंद है लॉक है, अंदर कुछ दिखेगा तो दिखाऊंगा। ये प्रतिमा है स्वतंत्र आंदोलन के प्रणेता मोतीलाल तेजावत जी की। ये सामने पुराना सा किला टाइप है, उसमें 1200 लोगों की जान ली गई थी अंग्रेजों के द्वारा 1922 में। पूरी हिस्ट्री की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो यहीं से आंदोलन की शुरुआत हुई थी। जलियांवाला बाग से भी ज़्यादा लोग मर गए थे इधर पे। इस जगह को कवर करना चाहता था लेकिन बंद है, तो अभी दूसरी जगह पे जा रहे हैं। नाउ वी आर गोइंग टू माओ भवनाथ टेम्पल माओ, जो कि यहाँ से अराउंड 34 किलोमीटर दूर है। और ये सारी वादियों के बीच में से मज़ा आ रहा है।
यहाँ का कल्चर ये सब देखने में। दिशा भ्रम हो गया है इधर तक आते आते, बिकॉज़ गांव-गांव में से घूम के आया हूँ, तो एग्जैक्टली किधर हूँ पता नहीं, लेकिन जगह एकदम खूबसूरत है। लोकेशन लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो पहुँच जाओगे, इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगा। धूप ज़्यादा है और मेमोरी कार्ड फुल हो गया है, क्या करें, तो अभी नेक्स्ट मेमोरी कार्ड डालेंगे, फिर से रिकॉर्ड करेंगे, और क्या, यही ज़िंदगी है। चलो आगे निकलते हैं। जगह काफ़ी खूबसूरत है, पहाड़ है, नदियां हैं, और बीच में से मंदिर के लिए रोड जा रहा है। ऑसम वाली फीलिंग आ रही है। इधर आके थोड़ा अच्छा लगा, बिकॉज़ जहाँ भी जा रहे हैं कुछ ना कुछ बंद है आज। वी आर एट भोगनाथ। स्टार्टिंग का सीन बहुत ही अच्छा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बैटरी लो हो गई। बाकी अभी बैटरी चेंज कर दी। ये पूरा पानी भर जाता है पीछे, ये सब इधर टेम्पल की ओर जाते हैं। ये है मंदिर का प्रांगण, शिव जी का टेम्पल है और ऋषि भृंगराज जी का और उनके पुत्र का टेम्पल है। ये है भोगनाथ टेम्पल। ये शिव जी का टेम्पल है, एकदम पीसफुल है, तो कुछ बोलूँगा नहीं। ये वाले टेंपल में जाके आए, पीछे पूरी नदी है, ये सारे 360 में नदी है, और ये बीच में टेंपल है, तो ये टेंपल भी जाके आते हैं। श्री मुरलीधर भगवान, श्री कृष्ण जी का मंदिर है। यहाँ पे प्राचीन कलाकृतियाँ हैं दरवाजे पे, और ये साइड पर भी है। काफ़ी पुराना टेंपल है, और बारिश के टाइम पे ये इधर मंदिर तक पानी घुस आता है। के बाजू में एक शिवलिंग, बजरंग बली जी का टेम्पल, कबूतरों के लिए चबूतरा बनाया है। और इस मंदिर के बारे में कुछ भी जानकारी मिले तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। थोड़ा सा नीचे इधर पर मछलियां हैं, डाकुआ भी है, और सीनरी खूबसूरत है। पानी इधर तक भर जाता है, ये इधर तक। इस साल बारिश कम हुई तो ऐसा ही है। सो रैप अप का टाइम हो चुका है। नाउ वी लीव दिस प्लेस, भोगनाथ टेम्पल मऊ। हाथमती नदी है, बाद में पता चला मेरे को, तो ये हाथमती नदी के बीचों बीच टेम्पल है। यहाँ के नज़ारे काफ़ी अच्छे लगे, फोटोशूट करने के लिए भी लोग आते हैं। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो गाइस, प्लीज़ शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब माई चैनल एंड कीप सपोर्ट। अभी आगे पिक्चर बाकी है। स्मृति जी बहुत ही प्रार्थना कर रही है। ले तारी मम्मी माटे बारडोली ना पात्रा कहती है। याद हो रहा है? Yes, I am the...
हाय, आई एम द वन द वन द वन।